हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार का एक अलग ही महत्व है, इसकी एक अलग पहचान है। और ये संघर्ष चल रहा है मूल निवास और भू कानून का, इस संघर्ष में हरिद्वार की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस आंदोलन को तमाम हमारे संत समाज ने, हमारे किसान भाइयों ने, हमारे पूर्व सैनिकों ने, हमारे व्यापारी भाइयों ने और तमाम सामाजिक और राजनीतिक दलों ने सपोर्ट किया है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, पहली बार हरिद्वार में इतना भारी जन समर्थन हमें यहाँ पर मिल रहा है। हर बार एक बात हमेशा से सामने आती रही है इस मूवमेंट को लेकर, कई षड्यंत्र इस तरह से होते रहे हैं जिसको एक तरह से पहाड़ और मैदान के बीच खाई जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो आज आप देख सकते हैं उत्तराखंडियत यहां पे आपको नजर आ रही होगी। ये लड़ाई एक तरह से नारसन गुरुकुल में रहने वाला जो यहाँ का मूल निवासी है और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र बैनाथ के माड़ा में रहने वाला जो व्यक्ति है, उस सब की लड़ाई है। और इस संघर्ष में यहाँ का मूल निवासी एक होकर अपने अधिकारों को लेकर लड़ना चाहता है। तो मैं सबसे पहले उन संगठनों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है। व्यापारिक संगठन हरिद्वार के, व्यापार मंडल सहित तमाम उनके जो सहयोगी संगठन हैं, उन्होंने हमें इसमें समर्थन दिया है। सैनिक सभा हरिद्वार, बड़े भाई सम्राट सैनी जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका हमें समर्थन मिला है। हमारे बीच में निरंजनी अखाड़ा के महंत स्वामी ललितानंद गिरी महाराज जी, निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद महाराज जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका इस आंदोलन को समर्थन मिला है। इसके साथ ही साथ रोड धर्मशाला के हमारे अध्यक्ष सेवाराम जी का समर्थन मिला है। पंडित कपिल शर्मा जौनसारी जी हैं, मनीष थपलियाल जी हैं, आपका इस आंदोलन को समर्थन मिला है। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी के अध्यक्ष महक सिंह एडवोकेट और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पदम सिंह रोड जी का समर्थन हमें इस आंदोलन में मिला है। इसके साथ ही साथ राज्य आंदोलनकारी संगठन, पूर्व कर्मचारी संगठन, सिद्धपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पर्वतीय बंधु समाज समिति, पहाड़ी महासभा, राज्य आंदोलनकारी संगठन श्री गंगा सभा हरिद्वार के साथ ही अन्य कई संगठनों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। यहाँ पर हरिद्वार के हर एक मूल निवासी ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं तमाम संगठनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आप देख रहे होंगे कि जो हमारे